नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। रुक कर लेते हैं खबरों का। पूर्व सीएम कमलनाथ ने माना है कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी मुकम्मल नहीं है। कई विधानसभा सीटों पर बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस काफी पीछे है। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगभग चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर अब भी हम नहीं संभले तो मध्य प्रदेश में भी यूपी जैसा हाल होगा, जहां बीजेपी ने मायावती और अखिलेश यादव को घर पर बैठा दिया है। कमलनाथ का यह बयान उपचुनाव को लेकर बुलाई गई बैठक में सामने आया है। ये बैठक कमलनाथ के आवास पर हो रही है, जिसमें पूर्व मंत्री, विधायक और उपचुनाव वाले क्षेत्रों के चुनिंदा नेता मौजूद हैं। बताया ये भी जा रहा है कि बैठक में उपचुनाव की रणनीति बनाने के साथ टिकट के दावेदारों पर भी चर्चा हो रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं दोहराना हूँ और पता नहीं कितनी दफे दोहराता रहूंगा कि हमारा मुकाबला बीजेपी के संगठन से है। भैया प्लीज, हो गया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश से है। मायावती जी को और अखिलेश को ग्वालियर, पूरब, डबरा, पांडे, पौड़ी, कैला, मुंगावली, भमोड़ी, अनूपपुर और अभी अपना नए मतदाता पेपरनगर और बड़ा नगर। मैं दोहरा रहा हूँ और पता नहीं कितनी दफे दोहराता रहूंगा। आइए आइए।